जो डांट बनी हुई है इसे बाबे सात कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस दमिश ख़त्म होता है तो बाबे सात, दमिश के एंड पे ये दरबार यजीद है, दरबार यजीद दमिश के एंड पे, वहाँ पे काफ़िले को रोका गया और यहाँ से लेकर आप देख लें कि यहाँ तक इस दरवाजे तक ये एक मिनट का भी नहीं है, दो मिनट का रास्ता होगा। और यहाँ से कहते हैं कि तीन दिन बीबी जो है वो खड़ी रही और 15 अजानें सुनी अहले बैत इत्तेहाद के काम, 15 अजानें। ठीक है, इस डांट से लेकर, इस डांट से लेकर इस दरवाजे का, क्योंकि ये सामने दरबारी जगह है, यानी कि टोटल 70 कदम का फासला भी नहीं है, क्योंकि ये 950 कुर्सी इन्होंने अंदर लगाई थी। ठीक है, और तमाशबीन जो सफ़ीर उसने मुख्तलिफ मुल्कों के बुलाए हुए थे, लेकिन देखें अफसोस अहले बैत इत्तेहाद की कुर्बानियाँ देखें कि इतना जुल्म तारीख में इंसान सोच सकता है कि जिसके ख़ानदान को मार दिया जाए, लाशों के घोड़े दौड़ा दिए जाएँ और औरतों को कैद कर दिया जाए और बगैर कफन दफन के उनको जंगल में आबान में छोड़ दिया जाए, रिश्तेदारों को रोने भी ना दिया जाए, तो फिर आवाज़ें कसी जाए, बाजार सजाए जाए। ठीक है, और बस 3 दिन बीबी खड़ी रही इसलिए कि वो कमीना नशे में शामिल था। ये देख लीजिए बाबे, ये बाबे साथ है। गोलियों के निशान जो जंगली होते हैं ये दरबारी है।